नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्या क्या चीज़ सीख चुके हैं, मतलब हम आपको पिछली वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ बता चुके हैं, जैसे कंपनी बनाना, सिंगल लेजर बनाना, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना बनाना, ठीक ना, लेजर को अल्टर करना और डिलीट करना, ग्रुप क्रिएट करना और अल्टर करना, ये सारे चीज़ हम लोग सीखे हैं। और आपको क्या बताए थे, गोल्डन रूल। उसके बाद क्या बताए थे, लिस्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद गोल्डन रूल, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। सबके सारे के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। यानी कि सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए बताएं, कंपनी बनाने के बाद कंपनी को एडिट करना, डिलीट करना, ये सब आप जान गए होंगे। उसके बाद सिंगल लेजर बनाना, ठीक ना, मल्टीपल लेजर बनाना और उसको एडिट करना, डिलीट करना, उसका अल्टर करना, मिटाना। उसके बाद ग्रुप, ठीक ना, ग्रुप 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 को अल्टर करना। उसके बाद मैंने क्या बताया, लिस्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद मैंने क्या बताया, गोल्डन रूल, ठीक है ना। अब देखिए, टैली में मुख्य काम क्या है, टैली में मुख्य काम है कंपनी बनाना, लेजर बनाना। अब उसके आगे आपको आता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन पहचानना होते हैं और उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि ट्रांजैक्शन पहचानना, ट्रांजैक्शन पहचानना कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस में जाएगा, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं, जिसमें यह सिद्ध हो सके कि ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रमाण की जरूरत होती है और यह प्रमाण ही सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ट्रांजैक्शन के से संबंधित डिटेल्स, लेन देन और तारीख, ठीक ना, पार्टियों के नाम, सामान, गुड्स का विवरण। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है दोस्तों, जैसे कि देखिए, और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होती है, जैसे कि आपके पास कोई भी, आपने शॉप में जाकर कोई भी चीज़ आप ट्रांजैक्शन मतलब कोई परचेज करते हैं, तो उसमें आपको लेन देन के तारीख, पार्टी मतलब लेनर के पार्टी का नाम, गुड्स का नाम, सामान का नाम क्या है, वो सब आपको उसी से ट्रांजैक्शन के संबंधित उसको डिटेल्स होना चाहिए, ठीक। नीचे आते हैं आपको समझाने के लिए, देखिए कि राशि, अमाउंट का विवरण, ये सब क्या है, एक रसीद पर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शन होगा, जो रसीद होगा, इन्वॉइस होगा, बिल होगा, उस पर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। राशि, अमाउंट का विवरण होना चाहिए, गुड्स का नाम होना चाहिए, कितने पीस लेने, पार्टी का नाम, लेन देन, ये सारा चीज़ इसमें होना चाहिए। अब आते हैं नीचे, बिल इन्वॉइस, ठीक है ना, उसको बिल भी बोलते हैं, इन्वॉइस भी बोलते हैं। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को उधार माल बेचता है तो वह सेल्स इन्वॉइस बनाता है, या बेचता है, या उधारी में बेचता है, या नगद भी बेचता है, जो सेल्स करता है ना, तो वो आपको एक बिल बनाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल्स इनवॉइस, बिल बनाता है, ठीक है ना। और इसमें खरीदार का नाम, पता, जो माल बेचा है उसकी डिटेल्स, उसका अमाउंट और पेमेंट का कंडीशन इत्यादि लिखी होती है, ठीक है ना। खरीदार के लिए यह खरीदी का सबूत है, इसके आधार पर वो अपने यहाँ उधार खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं बिल इनवॉइस, ठीक ना। मैंने कि एक बिल जब कोई सेल करेगा, कोई उधार में भी बेचेगा, तो एक बिल पर सारा लिखा हुआ रहता है, कब कितना पेमेंट, क्या जैसे सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। एक बिल आप जब लेते हैं सेल, जब कोई सामान लेते हैं, तो आप बिल पर आप देखते हैं कि आपका नाम, आपका पैसा के विवरण, आप क्या लिए, क्या उसका सारे डिटेल्स उस पर लिखा रहता है, उसी को बिल इनवॉइस, ठीक ना। उसके बाद आते हैं सेकंड, कैश मेमो, कैश इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नगद माल बेचता है, वह कैश मेमो या कैश इनवॉइस बनाता है। अभी तो हमने यहाँ पर उधारी के लिए था, अब नीचे आते हैं, कैश मेमो, कैश इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नगद माल बेचता है और
वह कैश मेमो या कैश इनवॉइस बनाता है। इसमें कई बार खरीदारियों का नाम या पता होता है और कई बार नहीं उसके स्थान पर सिर्फ कैश लिखा हुआ रहता है। साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी डिटेल्स उसमें अमाउंट इत्यादि लिया होता है। खरीदार के लिए नगद खरीदी का सबूत है। इसके आधार पर वह अपने यहाँ नगद खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, ये सब क्या सोर्स इंडो सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट इसको आप देखिएगा। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो का मतलब है जब कोई व्यापारी किसी खरीदार से नगद माल बेचता है तो कैश मेमो इनवॉइस बनाता है। उसमें कई बार खरीदारों का नाम और पता होता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन उसमें कैश लिखा हुआ रहता है। ठीक ना, साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी डिटेल्स उस अमाउंट इत्यादि इसमें लिखा हुआ रहता है। खरीदारी के लिए यह नगद खरीदी का सबूत है। इसके आधार पर वो अपने नगद खरीदी का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। यानी कि देखिएगा दोस्तों, रिसिप्ट यानी कि रसीद, जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुगतान करता है, तब भुगतान के प्राप्त पाने वाले यानी कि सप्लायर उसे एक रसीद देता है, जिसे रसीद पर तारीख, खरीदार की डिटेल्स, अमाउंट और उसकी पेमेंट किस संदर्भ में प्राप्त हुआ उसकी डिटेल्स लिखी होती है। ठीक है ना, खरीदार के लिए ये आपको रसीद भुगतान खरीदार के लिए यह भुगतान किया गया उसका सबूत है और वह उसके आधार पर अपने यहाँ पेमेंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। मतलब उसी रसीद से अपने यहाँ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी करता है। अब आते हैं फॉर्म चेक। चेक, जब कोई खरीदार उधार खरीदता है और वह उस माल का भुगतान बैंक के चेक द्वारा करता है, तो उस चेक का डिटेल्स के आधार पर इस ट्रांजेक्शन के खरीदार और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करता है। चेक से जो भी माल लेन देन होता है वो बैंक से होता है और बैंक स्टेटमेंट में उस चेक का विवरण देखा जाता है। ठीक है ना, ये आपको चेक के बारे में हुआ। अब आते हैं पांचवा, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से यानी कि कुछ मात्रा में वापस करता है, वो सप्लायर उसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाता है और यही क्रेडिट नोट माल को वापस प्राप्त हुआ इसके लिए सबूत के रूप में खरीदार को देता है। इसी तरह से कई बार खरीदार माल से संबंधित कोई शिकायत करता है और यदि सप्लायर इन शिकायतों से सहमत होता है तो खरीदार को कुछ छूट प्रदान करता है और इस प्रकार की छूट के लिए भी सप्लायर क्रेडिट नोट बनाकर खरीदार को देता है। अब इसमें क्या है, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न, इसके से क्या होगा, जब कोई आपको कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर कुछ सामान वापस करता है या फिर उसको रिटर्न करता है या फिर अगर, तो उसके लिए क्रेडिट नोट के लिए यूज होता है दोस्तों। आप उसके फिर ग्राहक क्या करता है, सप्लाई क्या करता है, कुछ छूट दे देता है और दे के भी वो कह देता है कि तुम इसे रख लो। ठीक है ना, अब आते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में खरीदार की डिटेल के साथ साथ माल के भी डिटेल्स या कुछ छूट कारण का अमाउंट लिया हो जाता है। ठीक है ना, डेबिट नोट परचेज रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से वापस करता है, तो खरीदार इस वापसी का ट्रांजेक्शन को अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट बनाता है। साथ ही वह माल वापस कर रहा है उसके साथ यही डिटेल्स नोट सप्लायर को कभी भी भेजता है। ठीक है ना, कई बार खरीदार जब सप्लायर को माल खराब होने की शिकायत करता है और सप्लायर को नुकसान के भरपाई के लिए अमाउंट निश्चित करता है, तो उसके लिए खरीदार अपने यहाँ डेबिट नोट बनाता है और सप्लायर को भी भेजता है। अब आते हैं
अब आते हैं डेबिट नोट में सप्लायर की डिटेल्स के साथ माल के डिटेल्स के छूट के कारण भी अमाउंट में लिखा होता है। अब आते हैं सातवां वाउचर। वाउचर अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या व्यवसाय के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ति है उसके साइन करवाया जाता है। इससे यह कन्फर्म होता है कि साइन करने वाला ही वाउचर के पूरे विवरण की जानकारी है, ठीक ना। वाउचर में जिसे भुगतान किया गया उसकी डिटेल्स, उस कारण से भुगतान किया है, किस कारण से भुगतान किया गया उसकी डिटेल्स और अमाउंट, उस अमाउंट की डिटेल्स होती है। अब दोस्तों हम लोग इतना पढ़ के बताएं, अब आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तो आपको अब समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने इतना सारी चीज़ को जाना जिसको मैंने बताने के लिए बताया, जैसे कि आप कंपनी बनाना, कंपनी को एडिट करना, लेजर बनाना, लेजर को एडिट करना, सिंगल लेजर बनाना, मल्टीपल लेजर बनाना, मल्टीपल को अल्टर करना, डिलीट करना, ग्रुप क्रिएट करना, उसको अल्टर करना, लिस्ट ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल। अब मुख्य काम क्या है, कंपनी बना के सीधे लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद आप उसको ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन करना होता है, ठीक ना। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन पहचानना होता है, और पहचानना मतलब ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, परचेज किया है, सेल किए हैं, रिटर्न करना है, फिरना है, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पहचानना, और उस अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर अलग अलग आपको अलग अलग में रखना है, ठीक ना। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड के आधार के लिए इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। अब देखिएगा ट्रांजैक्शन पर क्या क्या चीज़ होता है। ट्रांजैक्शन पर आपको होता है ट्रांजैक्शन का लेन देन, यानी कि लेन देन यानी कि सामान परचेज किए दिए, उसके में क्या क्या चीज़ होता है, लेन देन की तारीख, पार्टियों का नाम, सामान, गुड्स का विवरण, उसके राशि, ये सब होता है। ये सब सब क्या सोर्स विंडो होता है। अब देखिए बिल इनवॉइस, जब भी कोई खरीदार आपको कोई सामान आपको उधारी में लेगा, बिल इनवॉइस किसको बोलते हैं, जब कोई व्यापारी किसी खरीदार के से उधार माल लेता है तो उसको सेल इनवॉइस बनाना होता है, ठीक ना। उसमें खरीदार का नाम, पता, तारीख का बेचे सारे डिटेल्स आपको लिखा होता है। अब कैश मेमो एक ऐसा होता है, जब कोई सेल्स करेगा तो कैश मेमो बनाएगा, उसमें पार्टी का नाम भी होगा नहीं होगा, ठीक ना, उसके साथ पूरा नकदी खरीदी हुई सामान का पूरा डिटेल्स होगा, तो ये सेल्स कैश मेमो कहलाएगा। रिसिप्ट में क्या होगा, जब कोई खरा उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुगतान करता है तो भुगतान के प्राप्त करने वाले यानी कि सप्लायर को रसीद देता है, जिससे रसीद की तारीख, खरीदार की डिटेल्स, अमाउंट, पेमेंट का संदर्भ सब प्राप्त होते हैं, उसकी डिटेल्स लिखी होती है। अब चेक से भी यूज कर सकते, चेक से जब कोई खरीदा उधार खरीदता है और वह उस माल को भुगतान बैंक के चेक द्वारा करता है तो उस चेक के डिटेल्स के आधार पर ट्रांजेक्शन खरीदार और सप्लायर और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। चेक से भी लेन देन होता है, ठीक है ना। अब क्रेडिट नोट क्या होता है, कोई पीछे क्रेडिट नोट क्या होता है, तो क्रेडिट को सेल रिटर्न कहते हैं। सेल रिटर्न मतलब जब कोई सामान आप बेच देते हैं, उसको रिटर्न करने के लिए क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, और ठीक है ना। और डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, जब आप परचेज किए हो आपको कोई दिक्कत होगा तो उसको भी परचेज रिटर्न करना है और अपने सप्लायर के पास भेज देना होता है, तो इस तरह से होता है। और वाउचर, ठीक है ना, वाउचर भी एक क्या होता है, वाउचर क्या है, अकाउंटेंट द्वारा बनाया जाता है, उस पर व्यापार या व्यवसाय के स्वामी या जो भी जवाबदेह व्यक्ति है उससे साइन करवाया जाता है। इससे कन्फर्म होता है कि साइन करने वाले ही वाउचर के पूरे विवरण की जानकारी है, इसे वाउचर होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।